ग्राम सेवकों का काम का ज्यादा बोझ हो रहा है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य ग्राम सेवक यूनियन ने आयोजित किया मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्राम सेवकों पर पहले से ही बहुत बोझ होता है, अब यही बोझ और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि नरेगा नामक योजना सरकार ने ग्राम सेवकों के नाम जनहित की है। ग्राम सेवकों में से यह बोझ कम किया जाए क्योंकि उन्हें पूरे जिले को संभालना पड़ता है व उनके समस्याओं का हल करना होता है, इसके कारण ग्राम सेवकों को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। अब जो सरकार ने यह नई योजना जनहित की है तो ग्राम सेवकों पर बहुत बोझ बढ़ गया है और बोझ कम किया जाए ऐसा कहना है अतुल वर्मा, ग्राम सेवक यूनियन के महासचिव का। ग्राम सेवकों की जो लोकसंख्या, ग्राम सेवकों की जो संख्या है उस आधार पर हमारे यहाँ पूरे ग्राम सेवकों की संख्या के आधार पर ग्राम सेवकों की नियुक्ति नहीं की गई है और उस वजह से हम लोगों को पहले ही काम का बोझ अधिक है। उसके बावजूद सरकार ने एक MREs योजना है जो नरेगा के नाम से पूरे देश में चल रही है, महाराष्ट्र में भी वो चालू है। महाराष्ट्र में हमने उसका प्रारूप बदलने की शासन से मांग की थी लेकिन शासन का ये कहना है कि भाई ठीक है 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने बाद हम विचार करेंगे। आज 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं लेकिन शासन ने अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं लिया है। अंततः हमको ये विचार करना पड़ रहा है कि भाई अगर आज ये बात नहीं हो सकती तो भविष्य में भी शायद शासन ऐसे ही हम लोगों को अंधेरे में रखेगी और फिर हम लोगों से काम कराएगी। उसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी फिर से फॉरेस्ट्री के काम, खेती किसानी के काम, ये सभी काम जो हम लोग नहीं कर पाएंगे वो काम हम लोगों पर लादे जा रहे हैं। और इसका आप क्या चाहते हैं कि जो काम आपके लादे जा रहे हैं उनके एक्स्ट्रा पे मिले या ये काम रोका? नहीं नहीं, ये काम हम लोगों से हटाया जाए क्योंकि हम लोग वो काम कर ही नहीं पाएंगे। हमारी मुख्य मांग यही है कि भैया हम लोग पगार नहीं चाहिए, हमको पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए पर सुकून चाहिए। आज हमारा एक ग्राम सेवक यदि सुबह 7 बजे निकलता तो रात के 7 बजे घर पहुँचता है। आज उसकी आर्थिक स्थिति तो खैर दयनीय है ही लेकिन आज सामाजिक हालत भी उसकी बहुत खराब होते जा रही है। आपका जो मेन मांग नहीं, मतलब क्या है? हमारी मांग यही है कि भाई नरेगा जो स्कीम है, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, इस स्कीम में कम से कम हम लोगों को ग्राम सेवकों को उसमें से थोड़ी मुक्ति दी जाए, ग्राम सेवकों का बोझ थोड़ा कम किया जाए क्योंकि ये जो EGS नाम से पहले स्कीम थी उसी स्कीम को अपन ने नरेगा नाम से अभी नया शुरू किया है। इस स्कीम में हम लोगों पर काम का बोझ इतना ज़्यादा डाला गया है कि लेबर लोगों को हम देख नहीं पाएंगे, काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं उसको देख नहीं पाएंगे। हम लोगों को ग्राम पंचायत का भी काम करना है, गाँव के भी काम करना है, उसके बाद फिर हम लोगों को ये नरेगा का काम करना है, तो इतना काम शायद हम लोगों से नहीं हो पाएगा। हम बार बार शासन से ये विनती कर रहे हैं कि ये काम हम लोगों से हटाइए या कम कीजिए पर अभी तक शासन ने इस पर कोई विचार नहीं किया। अभी हमारे राज्याध्यक्ष ने बताया कि हम 2 अक्टूबर से फिर आंदोलन करेंगे। पिछले 2 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया है, आंदोलन के साथ हम लोगों ने चर्चा भी की शासन से, शासन स्तर पर सचिव महोदय जो होते हैं, सचिव और मंत्री महोदय, इन लोगों ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया, आश्वस्त किया है